नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित तुली है। मैं बीटो डायबिटीज मैनेजमेंट टीम से हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक्स को इस समय कौन सी डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले उठने पर आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। इसके बाद आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं या अदरक वाली चाय भी ले सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखने के लिए आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या योगा भी कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। उसके लिए आप बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला भी खा सकते हैं। आप स्प्राउट सैलेड भी खा सकते हैं। इसको खाने से आप अपना पेट भरा हुआ महसूस करेंगे और आपके शुगर लेवल्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों आप रोस्टेड चने, मखाने या सीड्स भी ले सकते हैं। अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप लो जीआई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। क्योंकि इस समय हम सब घर पर ही हैं तो आप खाने के पोर्शन साइज में कंट्रोल जरूर रखें। आपको इस समय विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खानी है, जैसे पपीता, संतरा, ब्रोकली, रेड और ग्रीन पेपर। ये सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जिससे आप सांस की बीमारियों से बच सकते हैं। ट्राई करें आप इस समय होममेड फूड ही खाएं, क्योंकि वो हाइजेनिक और हेल्दी होता है। आप पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप लेमन जिंजर वाटर या सादा पानी भी पी सकते हैं। जितना हो सके आपको क्रॉनिक स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम और ब्लड शुगर लेवल्स को प्रभावित करता है। याद रखें, आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट घर पर ही चलें। रोज आप 7-8 घंटे की नींद लें, इससे आपकी बॉडी रिचार्ज और हील होती है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपको डेली योगा और मेडिटेशन करना है करीब 30 मिनट तक। आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप इसमें तुलसी, दालचीनी, शुंठी, मुनक्का भी यूज कर सकते हैं। इसे आप रोज 1-2 बार भी ले सकते हैं। गले में दर्द या सूखी खांसी के लिए आप पुदीने की पत्तियां या अजवाइन का स्टीम जरूर लें। और आखिरी में इस समय को मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताएं।